ऑफ इंस्टीट्यूट का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिलन समारोह में विधायक शशांक भार्गव सहित अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। संस्थान की गतिविधियों पर इस संबंध में चर्चा हुई। सुनील साहू जी, द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में हमारे बीच बनाए हमारे इस संस्था के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र मुंशी जी, सभी सदन में विराजमान मेरे गुरुजन, हमारे साथी, कुछ गुरुजन हमारे साथ के हैं, कुछ सीनियर हैं और कुछ जूनियर भी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि गुरु ऐसा शब्द है जो ज्ञान देने को काम करते हैं और पूरे भारत के भविष्य को बनाने का जो बीड़ा है वो गुरुओं के ऊपर ही है, इसलिए मैं बारंबार उनके चरणों में नमन। आज शिक्षा की जो आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि रोजगार के अवसर हमारे पास पढ़ने लिखने के बाद भी कई लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, उसके लिए हमें ट्रेडिशनल जो कोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उस फील्ड में तैयार हों और आगे बढ़ें। तो ये याद है, मैं उस साल में प्रतीक ओसवाल है, मैं ट्रूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज होटल संबोधन इंटरनेशनल 1 अप्रैल को हम शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसमें विदिशा और रायसेन क्षेत्र के शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं हमारे विदिशा के MLA मिस्टर शशांक भार्गव जी। थैंक यू सो मच। आज चुबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट भोपाल ने सांची, विदिशा, रायसेन और आसपास के क्षेत्र के सभी शिक्षकों का एक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया है। जैसा कि आपको भी शायद, आप विदिशा के निवासी हैं तो चूबा का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। चूबा का इतिहास 21 साल पुराना है, हम 22वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और चूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स शुरू से ही अपने एकेडमिक एक्सीलेंस और प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। चूबा मैनेजमेंट और चूबा के शिक्षकों ने हमेशा से एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के बारे में हमेशा प्रयासरत रहा है और आज 15,000 से ऊपर चूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से जो बच्चे प्लेस होके गए हैं वो आज हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं और चूबा का, भोपाल का, विदिशा का, अपने समाज का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान की यदि आप पूछेंगे कि आपने शिक्षकों का सम्मान क्यों करना चाह रहे हैं, बेसिकली देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो जिसकी गोद में संस्कार और क्रांति दोनों पलते हैं। शिक्षा एक ऐसा बीज है जो अपने बोने के साथ ही जब उसे बोया जाता है तो वो पूरे वायुमंडल को, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से भर देता है। और शिक्षकों के लिए तमाम, चूंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक, अध्यापक और गुरु में थोड़ा फर्क होता है, ये एक इस समय डिस्कशन का विषय नहीं है, लेकिन शिक्षकों के लिए मैं उनके सम्मान में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिसके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिसके किरदार से आती है सदाकत की महक, उसकी तदरीज से किस्मत भी बदल सकती है। और आज यहाँ पर पधारे सभी शिक्षकों का बहुत अभिनंदन, स्वागत चूबा परिवार की ओर से और हृदय से वंदन, अभिनंदन, स्वागत। I am Dr. Pawar,
आई एम फ्रॉम ऑल्सो ट्रूबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी. ट्रूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आज सांची में इस समय जो शिक्षकों का सम्मान समारोह है उसको आयोजित करने जा रहा है. और इस समाज आयोजन में हमारे पास में विदिशा, रायसेन और सांची के शिक्षक सम्मिलित होने जा रहे हैं. और इस समारोह को करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो एक शिक्षक होता है उसकी जो भूमिका होती है, भूमिका समाज को स्वस्थ बनाने की होती है. अगर समाज को स्वस्थ रखना है, समाज में अगर अपराध को कम करना है, तो शिक्षक की जो एक भूमिका होती है उस भूमिका को हमें पूर्णतः निभाना होगा. और शिक्षकों के सम्मान की प्रक्रिया ट्रूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हमेशा से हर वर्ष निभाता आया है, चाहे वो रायसेन हो, विदिशा हो, सांची हो, सीहोर हो और इसके आसपास के भोपाल के आसपास के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में शिक्षक सम्मान की जो एक परंपरा है ट्रूबा ग्रुप हमेशा निभाता आया है. धन्यवाद.